हे बंसी वाले, तारा ने तो हमारा एंथम ही चुरा लिया। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है जालिम, चीटिंग है यार ये तो। एंथम हमने बनाया और परफॉर्म हम करने वाले थे, वो कर रहे हैं। आलिया जी, ये चीटिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाहर जाएंगे, सीधा साफ साफ सौदामिनी जी से बोल देंगे कि तारा जी ने पहले हमारा साथ तोड़वाया, उसके बाद हमारे स्कूल एंथम भी चोरी कर लिया। अरे मैंने हम लोगों की पूरा का पूरा एंथम कॉपी कर लिया वो लोगों ने, सेम टू सेम। हाँ, धुन भी हमारी थी, थोड़े से इंग्लिश के वर्ड डाल दिए। अरे इंसान में प्रतिभा नहीं होती है, शर्म तो होती है ना। देखिए मैं कह रहा हूँ, ये संगीत का शोषण है, कि धुनों की चोरी एक संगीन अपराध है, हमें इसके विरोध में स्वर उठाना पड़ेगा। हाँ। आलिया तू चुप क्यों खड़ी है, कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? आपको क्या लगता है, आप बाहर जाके सौदामिनी मैम और बाकी सबके सामने कह देंगे कि इंग्लिश मीडियम वालों ने हमारा एंथम चुराया, तो क्या होगा? क्या सब लोग मान लेंगे? कोई नहीं मानेगा, कोई एक शब्द नहीं मानेगा। सबको यही लगेगा कि हारने के डर से हम बहाने बना रहे बस। लेकिन आलिया जी, हमारा एंथम उन लोगों तक पहुंचा कैसे, जबकि एंथम के बारे में सिर्फ हम लोगों को पता था? लगता है कहीं हमने बहुत जोरों से एंथम गाया होगा, जिससे सोसाइटी ऑफिस से स्कूल तक सुनाई दिया हो। शालिनी जी, आप शांति के साथ बैठिए। पर शांति भाभी तो है नहीं, तो किसके साथ बैठूं? शांति भाभी का नाम मत लो, बर्तन धोने का मन करता है। लेकिन हालिया आप क्या करेंगे, हम सब क्या ऐसे ही हार मान ले? नहीं, हारेंगे नहीं, हम हिंदी मीडियम वाले हार नहीं मानेंगे। हमें जीतना होगा, क्योंकि अगर आज हम हार गए ना, हमारी हिंदी हार जाएगी। लेकिन आलिया जी, हम जीतेंगे कैसे? हाँ, एक नया एंथम गा के। क्या? हमें एक नया एंथम तैयार करना होगा, क्योंकि जो बात दिल से निकलेगी वही बात लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। अब हम पेन या पेंसिल से नहीं, दिल से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अरे 25 मिनट, अब सिर्फ 25 मिनट है हमारे पास, और इन 25 मिनटों में हमें इतिहास रचना है। इन 25 मिनटों में हमें यह साबित करना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर दिल साफ है, इरादे नेक और मंजिल एक, तो हमें कोई जीतने से नहीं रोक सकता। तो क्या हम तैयार हैं? हाँ, तैयार है। आज का दिन तो सच में रॉकिंग था। It's not only wow. Today is wow, wow, wow. I mean, वो लोग हारने वाले, हम जीतने वाले। और उनके पास तो कुछ करने के लिए बचा भी नहीं है। No, तारा मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आलिया और उसकी टीम ने एक नया एंथम लिखा है। वो लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वो मिस्टर चतुर्वेदी, वो गाना गाने के लिए रियाज कर रहे हैं। अब क्या होगा? What are you talking about? Talking नहीं, खुद देख कर आ रही हूँ मैं। Oh my God. अब मैं क्या करूं? अरे एक मिनट, तुम यहीं पे, तुम्हारा एंथम करने का परफॉर्म आ गया है। मतलब तुम्हारा एंथम करने का टाइम आ गया है। चतुर्वेदी जी, ले लीजिए, आइए आइए, उसको रखिए। धन्यवाद, प्लीज जाइए। हेलो, तुम जानते हो ना, हमने जो एंथम प्रिपेयर किया था वो तारा ने। अलू, मुझे सब पता है तारा ने क्या किया। फिलहाल तुम चलो एंथम परफॉर्म करना। Don't worry. कुछ नहीं होगा। Excuse me. Where are you going, PN? I'm so thirsty, you know. Thank you. What are you doing, man? वो चतुर्वेदी जी है ना, जो अभी गाना गाने वाले, उनको गला गरम करने के लिए अदरक और शहद का जूस चाहिए। आप बाद में पी लेना। मेरी सेफ्टी पिन गिर गई है। ढूंढो जरा कहाँ गिरी। मैं? Of course तुम। Judas. अरे वो। Are you out of your mind? Find it. Go. इनको मत देना। मुझे इस बात का तो यकीन है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे।
सिचुएशन चाहे कितनी भी डिफिकल्ट हो, तुम कभी हिम्मत नहीं हारोगी। और एक बात का ध्यान रखना, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। चलो चलो। अरे नहीं मिल रहा है तारा मैडम। अरे मिलेगी, ढूंढो तो सही। अरे कहाँ एक छोटी सेफ्टी पिन। नहीं मिल रही है इधर। मिलेगी, आंखें खोल कर ढूंढो अच्छे से। तारा मैडम मैं दूसरा सेफ्टी पिन लाके देता हूँ ना आपको। मुझे वही वाली चाहिए, तुम ढूंढो अंदर ही गिरी है। अरे लेकिन यहाँ नहीं दिख रही है। अरे होगी, देखो कहीं कोने वोने में घुस गई होगी। मिले? नहीं नहीं दूसरी लाके देता हूँ मैं आपको। नहीं 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 सुनो, मुझे मिल गई। अच्छा आ जाओ बाहर। ठीक है ये लो, और सुनो अच्छे से पिला देना, का गला एकदम क्लीन हो जाएगा। मैडम ट्रैफिक हटाओ ना, तुम साइड से जाओ ना। वाका वा 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 वा। हाँ, वैसे कौन सा फ्लेवर मिलाया तुमने इसमें? पाउडर। I want to taste it. All right, I'll make another one for you. Thank you so much. गला खराब हो जाता है उससे। अब चतुर्वेदी जी ये जूस पियेंगे और उनका गला खराब हो जाएगा, तो फिर परफॉर्मेंस कहाँ से होगी? अरे चतुर्वेदी जी अच्छा हुआ आप मिल गए, ये लीजिए आपने मंगाया था ना जूस, एकदम सही समय पे आए आप। अभी देखिए। वाका। अब देखिए मैं कैसा गाता हूँ अभी मंच पे जाके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। This is not a cookery show. This is school anthem competition. लगता है आज ये लोग हमारे लिए खाना बनाने वाले हैं। वाका वा वा। लगता है इन हिंदी मीडियम वालों से एंथम तो बना रहे, आज खाना बनाकर ही दिखाने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, मिस वाय और तुम ये ब्लू फॉइल पेपर। बकाओ बकाओ। जब तुम लोग परफॉर्म कर रहे थे तो क्या उन लोगों ने तुम्हें डिस्टर्ब किया, बॉदर किया, रोका टोका? नहीं ना, तो फिर तुम भी उनकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब मत करो। ये क्या परफॉर्म करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, ये उनका डिसीजन, समझे? गाइस, आई थिंक आलोक इज राइट, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वैसे भी अगर हम उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो हो सकता है वो हमारी वजह से हार जाए और उसका ब्लेम हम पर आ जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, पर यू नो इट्स ओके। ओके इनफ, आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी एंड मनी इज व्हाट मैटर्स। मिस आलिया स्टार्ट कीजिए। चतुर्वेदी जी, जी आप शुरू करिए। हाँ क्या हुआ? वो पानी पीजिए ना। लोटम लोटम पानी उठाइए। हम बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ अरे चतुर्वेदी जी आप। नहीं नहीं बोला जा रहा भाई।
दैट्स लाइक्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, बढ़ रहा है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, दिस इज सुपर्ब यार। आलिया ने ना सारी बाजी पलटती है। वोट? तुम्हारे एंथम से ज्यादा वोट आलिया के एंथम को मिले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना ठीक है। एंथम भले ही आलिया का चूज हो पर तालियां तालियां तुम्हारे लिए बजनी चाहिए। तो अभी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ने अपना अपना एंथम प्रस्तुत किया और सबसे ज्यादा वो सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मे आई? प्लीज। सर मुझे नहीं पता आज किसे कितने वोट्स मिलेंगे लेकिन मेरा वोट आलिया को जाता है। अरे ये मैम मुझे नहीं पता कि आज हिंदी मीडियम जीतेगा या फिर इंग्लिश मीडियम जीतेगा, कौन सा एंथम विनर होगा, पर मेरे लिए तो आलिया का एंथम ही विनर है। जी सर, उन्होंने कितना कमाल का एंथम गाया है, कितना सुंदर एंथम बनाया है। मैं जानती हूं आलिया कितनी मेहनत की आप लोगों ने, मतलब लास्ट मिनट पे आप लोगों ने ये एंथम बनाया, आपके तो इंस्ट्रूमेंट्स भी टूट गए थे है ना, उसके बावजूद इतना अच्छा एंथम विनर तो आपको ही होना चाहिए। इनकी मेहनत को इनके स्पिरिट को मद्देनजर रखते हुए मैं हमारा एंथम कैंसिल करना चाहती हूँ। मैम मुझे लगता है विनर की हकदार सिर्फ और सिर्फ आलिया है और इनका एंथम ही विनर होना चाहिए, कि वोटिंग वगैरह कुछ मायने ही नहीं रखते हैं। तो विनर है हिंदी मीडियम की टीम। एक बात कहना चाहूंगी कि भले ही आज के कंपटीशन हिंदी मीडियम वालों ने जीता है लेकिन मेरी नजर में मिस आलिया और मिस तारा दोनों ही विनर्स हैं। जितनी ऑनेस्टी मिस तारा ने दिखाई है मैंने तो कभी नहीं देखी। मैंने सचमुच ऐसा ऑनेस्ट इंसान नहीं देखा जिसने कंपटीशन खत्म होने से पहले ही अपने दिल की बात सुनकर मिस आलिया को विनर घोषित कर दिया। That requires courage. और मैं कहती हूं आज के विनर मिस आलिया के साथ साथ मिस तारा भी है। Everybody give a big hand. Thank you.
यू मैम, थैंक यू सो मच। बाबू डोडो, गरीब बोल के इंसल्ट किया था ना? शक्ल से कितना गरीब लगता है। मुझे दिल करता है कि मैं उसको ट्रिप दूँ। ये लो, ये लो, अपनी ढोलक पे लगाओ, डांस करो वहाँ जाके। अगर ये लो मूल और हिंदी मीडियम की तरफ से ये ब्याज, ठीक है? और इन पे किसी को गरीब मत बोलना। ऐसे बात नहीं कर सकते मुझसे। नहीं तो मुझे पता है तू डर जाएगा। आलिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू मी ऑल्सो। आई नो आज की विनर तुम हो, पर तालियां तो मेरे लिए भी बजी। देखा ना तुमने? मैंने तो देखा, लेकिन तुमने देखा? भले ही तुमने हमारा एंथम चुरा लिया, हमारे साज तोड़ दिए, हमें रिहर्सल हॉल में रिहर्सल तक नहीं करने दी, और धोखे से चतुर्वेदी जी का गला भी खराब करवा दिया, कि फिर भी विनर्स हम ही थे। चल रहा है मैडम? बस दिल कुछ कह रहा है। अच्छा, और क्या कह रहा है आपका दिल? आज एक किसमिस हो जाए। वाह, किसमिस हो जाए? हेलो, रहने दो। अभी घर पे कुछ तारा आती होगी। मानो तारू देख लेगी। अरे तू क्या कर रही हो? मेरी बात मारो। Why you smiling? बस बेबी को देखा है तुमने? हाँ, बड़ा हैंडसम है आलोक। कुछ है खाने के लिए क्या? नहीं आज कुछ है नहीं। तुम ब्रेड खाओगे? तुम ब्रेड खाओगे? तुमने आज खाना ही नहीं बनाया। नहीं, खाना बाद में मैंने खाना। तुम क्या खाओगी? ब्रेड बता देती ना। मैं फ्रूट खा लेती हूँ। नहीं नहीं, फ्रूट क्यों खाना तुम्हें? फ्रूट तीन दिन पुराने हैं, तुम क्यों खा रही हो? Yeah, it was expected from you। हाँ, दुर्गा आप खाओ। पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न खाओगी तुम? पर मेरा पॉपकॉर्न खाने का मन नहीं है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। क्या खाना चाहती हो? मैं बनाती हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम बोलो ना। एक मिनट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आर यू ओके? हाँ बिल्कुल टिप टॉप। तुम क्या पॉपकॉर्न? मैं बनाती हूँ ना, चलो चलो। अरे पर मुझे कुछ और बटरफ्ली पॉपकॉर्न ले रहा हूँ। आलोक, सॉरी आलोक, मुझे ये पता था ये सच में आ जाएगी। आलोक, कितना अच्छा था ना हमारा पुराना घर, कम से कम तुम चैन से किसमिस तो ले सकते थे। हाँ आलू, लेकिन एटलीस्ट हम यहाँ साथ में तो रह सकते हैं। वहां तो मैं चोरी छुपे तुमसे मिलने आया करता था, यहाँ पे तो हम हर समय साथ रहते हैं ना। कहाँ हर समय साथ रहते हैं, दिन भर तो इस तारा का डर लगा रहता है तुम्हें। वहां कम से कम जो समय मुझे मिलता था तुम्हारे साथ, पूरा का पूरा मेरा होता। बस मैं भी चाहता हूँ कि हम चल से जल्दी वहां चले जाए। लेकिन कैसे जाएंगे? जब से हमारे पुराने ज्ञान सरोवर स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बना दिया, तब हमें टीचर्स कॉलोनी छोड़नी पड़ी ना, और यहाँ आकर बसना पड़ा। लेकिन आलू, अब तो चीजें नॉर्मल हो रही है, और मुझे लगता है कि एक बार ये सब ठीक हो जाएगा ना, तो हम टीचर्स कॉलोनी में रह सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.